लंबे वक्त से मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती लता मंगेशकर डिस्चार्ज कब होंगी, इसे लेकर कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। और लता मंगेशकर को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी हो गई है, जिसके कुछ अंश हम आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए सुनाएंगे। 28 सितंबर 1929 को रात 9:50 में इंदौर के वृषभ लग्न वृषभ नवांश कर्क राशि शनि के पुष्य नक्षत्र सिद्धियोग में लता मंगेशकर का जन्म हुआ। लता जी को लेकर ज्योतिषाचार्य पंडित दयानंद शास्त्री बताते हैं कि जन्म के समय उनकी कुंडली में जो सूर्य है उसी के फलस्वरूप लता मंगेशकर आज गायिका के रूप में विश्व विख्यात हैं। ज्योतिषाचार्य ने कहा, कुंडली में मंगल होने की वजह से लता को सुरीला कंठ एवं मधुर आवाज मिली है। बुध स्वराशि पर विराजमान होने से उन्हें आर्थिक एवं मानसिक सुख प्राप्त हुआ है। बुध की महादशा में उनका जन्म हुआ, जिसका भोग्य काल 15 साल 6 महीने 26 दिन रहा। इतना ही नहीं, ये ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि लता मंगेशकर की कुंडली में शुक्र चतुर्थ भाव में है, वहीं नवांश कुंडली में तृतीय भाव में चंद्र की राशि कर्क में है। इसकी वजह से उनकी आवाज में वो कशिश है जो अन्य गायक कलाकारों में नहीं है। लता जी की नवांश कुंडली में पंचम भाव का स्वामी बुध वर्गोत्मक होने से आप लंबे समय तक गायन के क्षेत्र में हैं। पंडित दयानंद शास्त्री जी के अनुसार जो स्वर भाव के साथ पराक्रम भाव भी है, उन्होंने काफी मेहनत कर उस जमाने की मशहूर सुरैया नूरजहां शमशाद बेगम जैसी हस्तियों के बीच रहकर अपनी पहचान बनाई। लता जी को लक्ष्मी नारायण योग भी है, यही वजह है कि सरस्वती उन पर मेहरबान रही, लक्ष्मी जी की कृपा उन पर बनी रही। लता मंगेशकर जो फिलहाल काफी ज्यादा बीमार हैं, फिलहाल आपको बता दें इन्हीं पंडित जी ने यह दावा किया है कि लता मंगेशकर की उम्र फिलहाल लंबी है, वो बहुत जल्द ठीक होकर अस्पताल से अपने घर लौट आएंगी। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।